देखो मुना तुम। भैया डॉक्टर आपको जल्दी बुला रहे हैं। अम्मा जी ठीक तो है ना? अम्मा जी अब ठीक है तुम्हारी? हाँ जब मैं आया था तब इनका बीपी बहुत लो हो गया था, कोमा में भी जा सकती थी। व्रत में अक्सर ऐसा हो जाता है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं रहता है, इसलिए मोना ने जब मुझे फोन किया तो मैंने उसे उसी वक्त तुरंत इंजेक्शन लेने भेज दिया था। एक्चुअली वो इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक था, सिर्फ पहाड़गंज की एक ही दुकान में उपलब्ध था। मोना अगर दौड़ कर वो इंजेक्शन न लाती तो हमारी माता जी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता, इन्हें ड्रिप चढ़ानी पड़ती। जी बहुत तंग कर दिया ना मैंने सबको, बहुत। अम्बा जी प्लीज ये व्रत तोड़ दीजिए। सच कहूं राजानी, मोना इतनी लापरवाह हो सकती है ये मानने को मेरा दिल भी तैयार नहीं है। मुझे बार बार बिम्बी की उस सहेली और उसकी बेटी पे शक होता है। डिम्पी का मोबाइल चेक करके देख चुका हूं मैं, कनेडियन एम्बेसी को फोन मिलाया था तो पैम ने उठाया था दूसरी तरफ से। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा इल्जाम बिम्बी की सहेली पर? अगर आपकी बात गलत निकली तो बिम्बी इस घर में कितना बड़ा तमाशा करेगी। तुझे भरोसा नहीं है ना मेरे पर? तो खुद अपनी आंखों से देख ले। पैम के मोबाइल से डिम्पी को फोन मिलाऊंगा तो वो कैनेडियन एम्बेसी दिखाएगा। अपनी आंखों से देख ले चल। अरे पैम पुत्र तेरा फोन तो बड़ा चंगा है, मैं देख सकता हूं? ऑफ कोर्स 5 मेगापिक्सल है। महंगा तो होगा ही। अरे तेरा फोन बज रहा है। पैम पुत्र तू मम्मी लोग क्यों फोन कर रही है? मैं सॉरी जी गलती से लग गया। डेलिकेट बटन से बड़े जी। मुझे तो पहले से ही शक पड़ गया था जी, उस दिन मेरा फोन कलावती की ही नहीं किसी और के हाथ पे लगा था तो वो आप थे। आपका आप खाना वहां रखा है ढक के, खा लीजिएगा। अब अम्बा जी का तो निर्जला और निराहार व्रत है ना, तो हमारे गले से तो खाना उतरेगा नहीं, पर आपको भूख लगी होगी है ना? एक मिनट। ये लीजिए, पेट भरकर खाना खा लीजिएगा भाभी। ने सुबह से पानी की बूंद भी अपने गले से नीचे नहीं उतारी तो मैं भला कुछ कैसे कर सकती हूँ? बाय बाय।